दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार लूट, चोरी, डकैती, हत्या जैसे आपराधिक वारदातों को बदमाश यहां अंजाम दे रहे हैं। विजयनगर के सेक्टर 11 एच ब्लॉक में बीती रात बैटरी चोर गिरोह का आतंक सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि चोर गिरोह एक सफेद रंग की कार में सवार होकर आए थे और चोरों की संख्या 3 थी, जिसमें से एक चोर कार के अंदर बैठा रहा, जबकि दो चोर बाहर निकलकर सड़क किनारे पार्क की गई कारों की बैटरियां चुराने में जुट जाते हैं। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि चोरों ने कितने सातिराना अंदाज में चंद मिनटों में कार से बोनट को खोलकर बैटरी चोरी कर ली है। इलाके के लोगों को इसकी जानकारी आज सुबह पता चली, जब वे अपने दफ्तर जाने के लिए कार स्टार्ट करने लगे। दर्जन भर से ज्यादा कारों की बैटरियों पर यहां बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया है। नवबारा समाचार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार की रिपोर्ट। बता दीजिए। मैं प्रताप विहार समाज कल्याण संस्था एच ब्लॉक सेक्टर 12 का अध्यक्ष हूँ। आज आपके ब्लॉक में चोरी हुई है, गाड़ियों में से सामान चोरी हुआ है। कितनी गाड़ी है? आज हमारे ब्लॉक में 12 गाड़ियों में से तो क्या नाम बैटरी निकाली गई, चोरी हुई। बैटरी के अलावा कुछ और भी चोरी हुआ है? बैटरी के अलावा तो अभी आज तो कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन अक्सर चोरियां ना होती रहती हैं। कभी 1.5 साल पहले हुई थी गाड़ियां से, वो एम्स के एसीएम निकाल लिए थे, और कभी कभी यहाँ साला तो आपकी वो जो है ना वो क्या नाम मोटर चोरी हो जाती है। इस तरह की गतिविधि हमारी कॉलोनी में होती रहती है। क्या कोई किसी पे शक है कि कोई हम कर रहा है इस तरह की कुछ? नहीं, शक तो किसी भी नहीं, क्या देखा था हमने किसी को नहीं, तो शक तो हम क्या कहें। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये दो गेट नहीं लगे कॉलोनी के अंदर, इसकी वजह से ज्यादा हमारे कॉलोनी में कहानी खराब हो रही है। अच्छा, ये दो गेट हमारे लग जाए हमारी कॉलोनी सेफ हो जाएगी, बाकी पांचों गेट हमने लगवा रखे हैं। तो ये दो गेट हैं, इधर से कुछ मिर्जापुर के लोग हैं जो उधर के ना वो प्रॉब्लम करते हैं, नहीं लगाने देते उधर, तो हमारे गेट लग जाए हमारी सेफ्टी हो जाएगी पूरी। अब पुलिस से बातचीत हुई? पुलिस से बातचीत गेटों के बारे में नहीं, इस गाड़ी चोरी, इस गाड़ी के बारे में तो पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था सुबह, पुलिस नंबर पे कॉल भी की गई थी, तो पुलिस के एसआई इंस्पेक्टर अनिल कुमार और एसओ से मैंने खुद बात करी थी, तो उन्होंने एसआई को भेजा था, क्योंकि जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं राठी जी वो तो शायद क्वारंटीन है इस टाइम आज की डेट में, तो उन्होंने एसआई अनिल कुमार जी को भेजा था यहाँ। ठीक है, तो अनिल कुमार जी आए थे, तो उन्होंने मौका मुआयना किया, सब जगह गए, सीसीटीवी कैमरे भी देखे, एक दो जगह लगे हमारे यहाँ, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे में एक सीसीटीवी कैमरा है हमारे 185 नंबर के पास, 186 नंबर के पास, तो उसमें वो जो गाड़ी से दो बंदे उतरे, उन्होंने गाड़ी उतर के एक ने इधर से गाड़ी निकाली, मतलब वो बैटरी खोली थी, दूसरे उधर से खोली, उसके बाद वो ऐसे इधर से गाड़ी निकल गए हैं, उसके बाद उसका ना नंबर प्लेट हमें क्लियर नहीं हो पाई। आप आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं, अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, जाँच करें, जाँच करके हमें न्याय दिलाए, हम भी चाहते हैं पुलिस से।